हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उसके क्या क्या नाम हैं। एक सर्जिकल ट्रे होता है जिसमें हम जितने भी सारे सर्जिकल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको रखते हैं। ये वजाइनल स्पेकुलम है, इसका यूज़ हम यूट्रस को विजुअलाइज करने के लिए वजाइना में इंसर्ट करते हैं। इसको स्पंज होल्डर कहते हैं, जिसका यूज़ हम स्पंज या कॉटन रोल को पकड़ने के लिए करते हैं। इसको बॉल सिलम कहते हैं, इसका यूज़ हम यूट्रस की मसल्स को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसको डायलेटर कहते हैं, जो डिफरेंट शेप में होते हैं। इसका यूज हम जो यूट्रस होता है उसको डायलेट करने के लिए करते हैं। ये साउंड होता है, साउंड है जिसका यूज हम वजाइना में यूट्रस की साउंड को नापने का काम करते हैं। ये डायलेटर्स होता है जो आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स में हैं, जो इससे बड़े बड़े आकार के हैं। इसका यूज हम करते हैं कि जो यूट्रस की जो मसल्स होती है उसको वन बाई करके उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको क्यूरेट कहते हैं, क्यूरेट का यूज हम जो बच्चेदानी के अंदर जो कचरा होता है उसको साफ करने के लिए करते हैं। इसको ओवम फोर्सेप्स कहते हैं, जिसका यूज हम जो बच्चेदानी के अंदर जो पीसेस रह जाते हैं, बच्चे के छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, उसको निकालने का काम करते हैं। इसको सक्शन ट्यूब कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सक्शन मशीन के साथ करते हैं। इसको सक्शन मशीन के साथ कनेक्ट करके जो बच्चेदानी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर वेस्टेज ब्लड होता है उसको निकालने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।